हाँ जी स्वागत है जी। आप सोच रहे होंगे आज कहाँ की गेड़ी मारी जा रही है, आज इंडोर नहीं है, आज आउटडोर है। आज कहानी कुछ दिलचस्प है। एक स्कूल, झुग्गी वाला स्कूल, एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक कार्य को दे दी। एक संस्था विश्वास से काम कर रही है वाले भविष्य को उज्ज्वल बनाने का। कहते हैं कुछ चीजें आसान नहीं होती, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो आसान बन जाती है। एक संस्था, एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा को दे दी। एक संस्था जो पिछले कई सालों से करनाल में झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाने में लगी हुई है। इनके स्कूल की बिल्डिंग सीमेंट की नहीं है, क्लासों में एसी नहीं है, ना ही एलसीडी है स्मार्ट क्लास के लिए, लेकिन फिर भी इन बच्चों के सपने आपसे मुझसे कई गुना बड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने गरीबी को नज़दीक से देखा है। अब ये चाहते हैं गरीबी से बाहर निकला जाए, और गरीबी से बाहर निकलने के लिए ये शिक्षा का सहारा ले रहे हैं। पढ़ाई ऐसी करते हैं कि मानो हम एसी वाले कमरे में बैठ के ना कर पाए। देखिए, सफ़र तो हर व्यक्ति का तब शुरू होता है जब वो जन्म लेता है। जन्म लेने के साथ मेरा भी सफ़र शुरू हो गया था, लेकिन बचपन से ही एक मेरे साथ जो एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई, जो पॉजिटिव जिसे मैं कहूँगा, कि मेरी माँ जो है वो बड़े धार्मिक ख्याल की, वो जब भी मेरी कंघी करती थी, मेरे जुड़ा करती थी, तो मुझे शहीदों की, देशभक्तों की, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाया करती थी। मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाया करती थी, अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी, और बताती थी कि समाज की, देश की सेवा जो है वो करने वाले लोग कैसे होते थे। मन में था कि मैं बड़ा होकर चाहे कुछ भी कैरियर में कुछ भी बनूं, लेकिन मैं समाज और राष्ट्र के लिए सेवा के कार्य में जरूर लगूंगा। मैं जब मात्र 11-11.5 साल की मेरी उम्र थी, तो हम लोगों ने एक नौजवान सिख सेवा दल प्रेमनगर में एक संस्था बनाई थी, और मैं शायद 12-1 साल की उम्र में उस संस्था का प्रधान बन गया था। और हम लोग उस समय कीर्तन दरबार करवाया करते थे, हम लोग जो है प्रभात फेरियाँ निकाला करते थे, जाकर गुरुद्वारों में जोड़ों की सेवा किया करते थे। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ये चीज़ें चल रही थी कि हमें जो है इस प्रकार के काम करने हैं। जब मैं कॉलेज में आया, तब हमने, गुरु नानक खालसा कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ, जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ हमने जो है एक संस्था बनाई, युवा सद्भावना समिति। उस संस्था के माध्यम से हमने गरीब बच्चों की शादियाँ करवाना, नकल विरोधी अभियान चलाना, नुक्कड़ नाटक करना, कॉलेज के अंदर डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट रखना, कविताएं जो है कविता पाठ रखवाना, इस प्रकार के काम हम लोग करते रहे। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, मैं LIC में चला गया एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। सबसे पहले मेरी स्टेट बैंक को पटियाला में जॉब थी, उसके बाद मैं LIC में चला गया। और जब LIC में मैं था, तो LIC में रहने के दौरान तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट ने भी जो है पूरा साथ दिया, और मुझे लगा कि अब मेरे पास समय है कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो वर्ष 2000 के अंदर हमने निफा की स्थापना की, ये जो संस्था जिसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, जो क्लास चल रही है। शुरू में हमने केवल फाइन आर्ट्स की क्लासें लगाई, ऐसा ऐसा हम लोग आगे बढ़ते गए समाज सेवा के कार्यों में, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में, राष्ट्रभक्ति के कार्यों में। जब 2009 में मुझे चेन्नई के अंदर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निफा का सम्मान था, जिसे चेयरमैन होने के नाते मैंने चेन्नई में लिया। सम्मान जब मुझे मिला है, तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, मुझे कुछ और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। हम लोगों ने और किया, संस्था की शाखाएं खोलनी शुरू कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को, यूथ फॉर कंस्ट्रक्टिव चेंज, इस टैगलाइन के साथ जो है हम लोगों ने यूथ को साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आज देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में निफा की शाखाएं हैं, जो समाज हित के काम कर रही हैं। घर में जो लोग काम करने वाली आती थी, महिला आती थी, हम लोग कई बार पूछते थे कि उनका कहाँ, तो पता लगता था वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं। उनके बच्चों के बारे में पूछते थे, वो कहते थे कहाँ बाबूजी हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेगा, हम लोग तो मजदूरी करते हैं, हमारा बच्चा भी मजदूरी करता है। तो मुझे बड़ी पीड़ा होनी कि इनके बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे, और वो भी मजदूरी करने लग गए हैं। फिर हम लोग अक्सर देखते थे कि इनमें से कई बच्चे ऐसे होते थे जिनको हम लोग देखते थे वो डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम कर रहे हैं, सड़क पर इधर उधर जो है कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है वो घूम रहे होते थे, कहीं से कुछ बच्चों को हम लोग कूड़ा उठाते हुए देखते थे। उस समय मन में एक विचार आया कि नहीं, इन बच्चों का जीवन सुधारने की जरूरत है। किसी भी बच्चे का जीवन अगर सुधारना है, स्पेशली वो बच्चे जो फाइनेंशियल रूप से सक्षम नहीं है,
तो उन बच्चों का जीवन सुधारने का सबसे बढ़िया साधन है शिक्षा। सब सोच आई कि इस प्रकार के बच्चों को हम लोगों ने सपोर्ट करनी है, तो हमने केयर के नाम से क्लास शुरू की। पहले करनाल में शुरू की थी, अब करनाल में भी चल रही है, करौंडा में भी चल रही है, बिहार में भी चल रही है, और हमारी कई ब्रांचें हैं जो केयर प्रोजेक्ट के तहत जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं इस क्लास की बात करूँ तो इस क्लास में लगभग 125 के आसपास बच्चे हैं, जिनको दो सेक्शन में अलग अलग हमने बांट रखा है। एक जो प्राइमरी सेक्शन है, जो पांचवी से नीचे के बच्चे हैं, उनकी क्लासेज अलग लगती हैं। जो छठी से लेकर नौवीं तक के हमारे पास बच्चे हैं, जो एक पहली क्लास से हमारे पास शुरू हुए थे, लगभग 9 साल से 10 साल से ये कक्षा चल रही है, आज वो 9th क्लास तक पहुँच चुके हैं। तो 9th क्लास तक के हमारे पास बच्चे हैं, लगभग 125 बच्चा है। इन बच्चों को ना केवल हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, जो CBSE का सिलेबस करवाया जा रहा है, इन बच्चों का एडमिशन जो है दून इंटरनेशनल स्कूल में करवाया गया है। उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो इनके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, वो दून इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से होते हैं। तो एक अच्छे स्कूल का CBSE का इनको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, इनको रेगुलर जो है सिलेबस करवाया जा रहा है, रेगुलर एजुकेशन दी जा रही है। बीच बीच में हम लोग खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं ताकि खेलों के अंदर भी इन बच्चों का रुझान बढ़े। ये दो बार ऐसे पहले मुझे बजाने दो। इन बच्चों को हम लोग परफॉर्मेंस के लिए माउंट आबू ले जा चुके हैं। ये बच्चे हमारे माध्यम से, निफा के माध्यम से गुजरात में जाकर परफॉर्म कर चुके हैं। ये बच्चे बड़े बड़े मंचों पर अब परफॉर्मेंस देते हैं। इनका बच्चों का अगर आप कॉन्फिडेंस देखेंगे, जब ये हमारे पास आए थे तो ये इनडिसिप्लिन थे। ये छोटी सी चीज़ अगर इनको देनी होती थी तो टूट के पड़ते थे, देने वाला भी सोचता था कि मैंने कहाँ आकर गलती करी। लेकिन अब ये बच्चे इतने, इनके मैं टीचर्स को जो है उनको बधाई देना चाहता हूँ। चंदन जी यहाँ मेन टीचर हैं, बाकी जो सजदा मैडम है और जो यहाँ पर टीचर हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और निफा के वॉलंटियर जो यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं। नाम सजदा खातून है, मैं निफा केयर क्लास की टीचर हूँ। ये कर लेते हैं, बच्चे ठीक हैं पढ़ने में, वैसे इनको अगर सही लगन से पढ़ाया जाए और इन पे ध्यान दिया जाए, जैसे टीचर देते हैं वैसे अगर इनके माता पिता भी अगर इन पे थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ये बहुत ही अच्छा करेंगे जीवन में। माय नेम इज श्वेता कुमारी, 9th क्लास में पढ़ती हूँ, और मेरा सपना है कि मैं टीचर बनूँ, इसलिए मैंने अपनी क्लास ज्वाइन की। माय नेम इज सबीना कुमारी, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ, मेरा सपना है कि मैं पुलिस बनूँ, देश की सेवा करूँ। क्या नाम है आपका? कार्तिक। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं फौजी बनना चाहता हूँ। आर्मी में जाओगे? क्या वो आर्मी में क्यों जाना है, सेवा करनी है? पहले क्यों नहीं पढ़ते थे आप? पहले मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता था, तो आया यहाँ पे, एक इंदर नाम है, वो मुझे यहाँ पे बोला पढ़ो दे सर, ट्यूशन गया, फिर ट्यूशन से सर ने बोले यहाँ पे आने के लिए। अपना अपना सोचो कि क्या बनना है। वक्त भले ही बदला हो, तस्वीरें भले ही बदली हो, लेकिन आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। ये झोपड़ी वाला स्कूल है, ये हजारों बच्चों को, हजारों कह लीजिए या सैकड़ों कह लीजिए, उन्हें शिक्षा का ज्ञान दे रहा है। ज्ञान ऐसा कि वो कुछ बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। कोई आर्मी में बनना चाहता है, कोई पुलिस वाला बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या है ये? सबने लिख लिया, सबने लिख लिया। अच्छा, क्या क्या लिखा है ये बताओ सबने। A4, और B4, C4, D4, आगे बताओ। A4, 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 A